राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं पगड़ी बनाऊंगी। ये जो मैंने पिंक कलर की ड्रेस बनाई है, पगड़ी बनाऊंगी मैं इसके मैचिंग ये वाली। तो देखिए कितनी सुंदर पगड़ी बनी है हमारे कान्हा जी की। तो ये हमारी 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे पगड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6 नंबर कान्हा जी के लिए 2 3 4। तो देखिए मैंने इसमें 44 चैन बना ली हैं। 44 चैन बनाने के बाद मैं यहाँ थंब रख लूँगी, 3 चैन एक्स्ट्रा बनाऊँगी। 1 2 3 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई, और 4th वाली चैन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब मुझे हर चैन में, जो ये मेरे पास 44 चैन है, इनमें मुझे एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है, और एक हमारा ये 3 की चैन काउंट होगा, तो मेरे पास 45 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मुझे 4.5 इंच पगड़ी तैयार चाहिए, तो इसलिए 6 इंच के लिए आप 45 चैन डाल लीजिए। तो मैं इसमें अब हर चैन में मैं एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो देखिए ये मेरे 45 डबल क्रोशिए हो गए हैं। मैं सेकंड कलर लगा लूँगी अपना, इसमें चैन बना लीजिए। तो मैं एक रो और करूँगी इसमें। आप इसके ऊपर सेकंड कलर से 45 के ऊपर 45 ही, एक हमारी 3 की चैन हो गई शुरू में, तो ये 45 हो गए। 45 के ऊपर मैं 45 डबल क्रोशिए बना लूँ। तो देखिए मैंने अपना वाइट का राउंड पूरा कर लिया है वाइट से। अब मैं एक राउंड पिंक का और करूँगी। पिंक में मैं सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो मैंने 2 चैन ले ली। 2 चैन लेने के बाद ये हमारा लास्ट राउंड है, बस मैं 3 रो ही करूँगी ये। तो ऐसे लेकर ऐसे लिया हमने, फिर तीनों हम एक साथ निकाल देंगे ऐसे, फिर ऐसे लेंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, तो मैं एक राउंड हाफ डबल क्रोशिए का कर दूंगी। तो देखिए हमारा ये बन गया है। अब मैं कलगी बनाऊंगी। तो कलगी में मैं, तो देखिए 4 चैन बनाइए, 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद ये जो हमारी 4th चैन है, इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिए से इसे जॉइंट कर देना है। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इस सर्कल के अंदर हम 15 डबल क्रोशिए कर लेंगे। देखिए हमने इसमें 15 डबल क्रोशिए कर लिए हैं। अब हम इस वूल को एक चैन लेकर यहीं कट कर देंगे, कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर हम इधर से नहीं ज्वाइन करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये जो हमने चैन ली थी यहाँ 3 की, तो उसकी 3rd चैन में हमें इसे ज्वाइन करना है ऐसे। अब मैं इसमें 2 चैन लूँगी। तो देखिए मैंने इसमें 2 चैन ले ली हैं, जब सेकंड कलर लगाया 2 चैन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 बना लूँगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बना लूँगी। तो मुझे ऐसा 7 चैन में बनाना है। 7 चैन में बना लूँगी मैं, क्योंकि एक हमारी ये भी लगेगी 2 की चैन। तो इसमें 1 2 3 4 हो गई 4 चैन में, फिर इसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो हमने 1 2 1 2 3 4 5 6 चैन में बना लिया है। नेक्स्ट में 7वीं चैन है, 7वीं चैन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम 8वीं चैन पर आ गए हैं। 8वीं चैन में हमें पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और इसी के अंदर 1 और 2, फिर 2 चैन लेंगे। फिर 2 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमने 8 चैन में डिजाइन डाला है। तो फिर हमारे पास 7 चैन बच गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चैन में हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इधर बनाया है। फिर हम 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 में इसमें 1 बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट में हम दो बनाएंगे। इसे लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट ऐसे ही कर लूँगी, एक चैन में एक, एक चैन में दो हाफ डबल क्रोशिया बना के। तो देखिए हमारी ये कलगी बन गई है। अब मैं इसे वूल को यहीं कट कर दूँगी। कलगी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं सेकेंड बनाऊँगी दूसरी कलगी। तो देखिए मैंने चार चैन बना ली है। चार चैन बनाने के बाद ये जो हमारी फोर्थ चैन है लास्ट में, इसमें हम लेकर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक हमारी तीन की दो की चैन हो जाएगी। तो हमारे पास नौ हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो हमें इस सर्कल के अंदर नौ हाफ डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो हमने नौ इसमें हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब एक चैन लेकर हम इस वूल को यहीं कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इधर से अपना सेकेंड कलर लगाएंगे, पिंक कलर। तो इसमें लगाना है जो हमने दो की चैन बनाई थी, इसी के अंदर यहाँ इसे हम जॉइंट कर देंगे। तो अब हमें एक दो तीन चैन लेनी है। तो हमने तीन चैन कर ली। तीन चैन के बाद हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया के बाद तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद देखिए, तो ये जो तीन चैन ऐसे हम अंदर को यहाँ क्रोशिया डालते हैं, इधर को ऐसे यहाँ इसके बीच में ऐसे बीच में डालकर हम इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। फिर हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम यहाँ बीच में इसके सिंगल क्रोशिया से ऐसे बना देंगे। फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर तीन चैन, तीन चैन बनाने के बाद फिर इसी के अंदर यहाँ बीच में ऐसे ले जाकर क्रोशिए को फिर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये राउंड हमें अपना ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारी ये कलगी भी कंप्लीट हो गई है। हम एक चैन लेकर यहाँ से वूल को कट कर दूंगी, तीसरी कलगी बनाएंगे। तो इसमें हम पांच चैन ले लेंगे। पांच चैन लेने के बाद इसमें लास्ट वाले में हम पांच चैन लेने के बाद लास्ट वाले में इसे हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब हम एक दो तीन, तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद इसी सर्कल के अंदर हमें ट्वेंटी बीस डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमें नाइनटीन बनाने हैं, एक हमारे तीन की चैन हो जाएगी। तो हम इसके अंदर बीस डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये राउंड हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए मैंने इसमें बीस डबल क्रोशिया बना लिए हैं ट्वेंटी। तो मैं एक दो, दो चैन लूँगी। दो चैन लेने के बाद इसी से नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। फिर इसी के अंदर एक और हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट चैन में एक करूँगी। तो मुझे ये राउंड ऐसे ही करना है। एक चैन में मुझे एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक चैन में मुझे दो हाफ डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो देखिए हमारा ये राउंड कम्प्लीट हो गया है। अब एक चैन लेकर हम इसे वूल को यहीं कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। इसे हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे जो हमने चैन बनाई थी इधर। तो हमें इससे ज्वाइन करना है ये यहाँ तीन की चैन पर ऐसे। तो हम तीन चैन बना लेंगे। तीन चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। डबल क्रोशिया करने के बाद तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड हमें ऐसे ही करना है जो हमने छोटी वाली कलगी बनाई थी उसमें किया था। फिर तीन चैन, फिर इसी के अंदर फिर इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर इसके अंदर ऐसे ले जाकर ऐसे से हम सिंगल क्रोशिया इस पर कर देंगे। तो देखिए हमारी ये तीनों कलगी बनकर
रेडी हैं, ये रही। तो चलिए अब हम इसे सिलते हैं। तो हम सिलेंगे इसे ऐसे, मैंने पहले भी सिलना बताया पगड़ी को अपनी, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो ऐसे ले जाकर, ऐसे ले जाएंगे हम, ऐसे ले जाकर इसे पीछे यहाँ इसमें ऐसे अंदर कर देंगे और इस वाले को इसे ऐसे अंदर कर देंगे। तो ऐसे इन्हें यहाँ अंदर करके पीछे ले जाकर दोनों पट्टियों को ऐसे यहाँ पीछे इन्हें यहाँ फिर इसे मैं सिल दूँगी। ऐसे ले जाकर यूँ सिल दूँगी पीछे। तो मैं इसे ऐसे क्रॉस में लाकर पीछे ऐसे ही हूँ और फिर इन्हें दोनों हिस्सों को ऐसे यहाँ पीछे सिल देंगे। ऐसे पहले हम इन दोनों में लगाएंगे यहाँ सिलाई, फिर यहाँ बीच में लगाते हुए लाएंगे। तो मैं इन दोनों को ऐसे सिलकर ऐसे ही हूँ इसमें सिलाई लगा दूंगी। सिल दिया हमने ये वाला, फिर इसके बाद हम ये वाला सिल देंगे इसी के ऊपर यहाँ पीछे। तो इसे भी हम ऐसे ही पीछे ही हूँ ऐसे मिलाकर इससे ऐसे सिल देंगे। यहाँ सिलने के बाद फिर हम देखिए ऐसे सिलने के बाद पहले से ऐसे यूँ सिलते ले आएंगे, फिर हम इसे यहाँ बीच में से सिल देंगे। तो इस वाली को तो मैं इधर लगा दूंगी और ये बड़ी वाली पीछे लगेगी यहाँ। तो देखिए इसे मैं पीछे लगाऊंगी बड़ी वाली को और इस वाले को मैं यहाँ लगा दूंगी इसमें आगे। देखिए हमारी पगड़ी रेडी है बनकर। तो मैंने एक यहाँ लगा दिया है कलगी, ये बड़ी वाली पीछे, और एक मैंने इधर लगा दिया। तो हमारा ये पगड़ी बनकर रेडी है 6 नंबर कान्हा जी की। और आप इस पर सजावट कर लीजिए, स्टोन मोती आप कुछ से भी सजावट कर सकते हैं, इसमें स्टोन मोती लगा लीजिए। तो मैं इसकी सजावट कर दूंगी और हमारी पगड़ी बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।